कैसे कह रही थी मम्मी? हेलो गाइस, वेलकम टू केजी ब्लॉग्स। मैं हूं आपका होस्ट अजय नवानी। सो अब हम निकल रहे हैं आज पुष्कर के लिए। भाई क्लेंजर में काफी स्पेस है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल भर गई है, एकदम पूरी लोड हो गई है। बाकी पार्सल थे, बाकी क्लेंजर ठीक है, सेट एकदम। अब निकल रहे हैं हम लोग पुष्कर के लिए। चलो चलते हैं पुष्कर। देखो गाइस कितना बढ़िया स्वागत हो रहा है। हमें ऊंट से लेने आए हैं भैया ये, और पहुंचने वाले हैं, बस मात्र 200 मीटर रह गया है। तो मैं स्लो गाइस आ गया अपना रिजॉर्ट। इसका देखो सामने पुष्कर फोर्ट। रिजॉर्ट तो बहुत ही सुंदर है। बाकी अब इसके रूम्स देखते हैं, रूम्स कैसे। आओ मेरे साथ, आपको रूम्स दिखाते हैं। ये मारने आ रही है, मारने आ रही है। पहले ही ये बुक करवा दिया था, तो हमें इसका प्राइस जो है अराउंड 8000 पड़ा। आज इसकी प्राइस जो है ना 15000 है। तो आप लोग भी अगर इधर रुकेंगे तो पहले ही इसको बुक करवा लीजिएगा। बहुत सुंदर है, देखो इस तरह स्विमिंग पूल है यहाँ पर। सो गाइस ये है अपना रूम। इधर बेड हो गया, इधर छोटा सा एक, अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो वो इधर सो सकता है आराम से। इधर बढ़िया, इधर वो टीवी है, वार्डरोब है, और ये इनका बाथरूम मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये देखो, अच्छा बाथरूम है यार, बड़ा है ना, नाइस भाई, रॉयल पैलेस जैसा है। देखो अभी हम चलते हैं स्विमिंग पूल, थोड़ा स्विमिंग वगैरह करेंगे, इसके बाद फिर लंच करेंगे, फिर आपको पुष्कर दिखाएंगे। अमित के कमरे का जेट नहीं चल रहा अभी। कैसे करा जेट ने तेरे? फिर जा बैठेंगे इसकी जेट से रेन चल। भाई नहाने का प्लान तो हमने कैंसिल कर दिया। स्टोरी मेरे फोटो देखो, पूल जो है बिल्कुल इतना ठंडा पानी हो गया है, हमारी बस की तो है नहीं। भाई नहा रहा तू? ना भैया, पूल में पैर डाल के बैठो ऐसे ही बस। बाकी बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। क्या है भाई, कैसा लग रहा है रिजॉर्ट तेरे को? मस्त लग रहा है भाई, व्यू जो भी है बहुत अच्छा है। देखो व्यू दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है एकदम। ये देखो क्या बढ़िया व्यू है सामने। एक्सपेरिमेंट चल रहा है बस, और तो सब पूरी। इसके कमरे का भाई फ्लश नहीं चल रहा है, फ्लश मतलब उसका जेट नहीं चल रहा है, तो चेक करा लेना पहले, आने से पहले जेट चेक करवा लेना। अभी चेक मैंने बोल दिया, रिसेप्शन पे कॉल करे वो कर देंगे। बहुत अच्छा है और बाकी बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। वो पत्ती फूल गिरी थी वो। सो गाइस हमारा जो प्लान है अब वो है कि देखो 4 बज गए हैं, तो अराउंड 4:30-5 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमारे रिजॉर्ट से जो है 1 किलोमीटर का रास्ता है, ब्रह्मा टेम्पल जाएंगे सबसे पहले। ब्रह्मा टेम्पल जो है वो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर लेक उसको बोलते हैं ना? नहीं, पुष्कर लेक उसके पास में ही है, मतलब वहाँ से 200 मीटर जो है पुष्कर लेक है। और उस लेक की जो कहानी है वैसे बताते हैं कि वहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने किसी राक्षस का वध किया था, तो वध करने के बाद उनके हाथ से जो है 3 पत्तियाँ कमल की गिर गई थी, तो जब वो नीचे गिर गई थी तो वहाँ पर ही 3 कुंड सा बन गया था। तो वो पूरा एकमात्र ऐसा लेक है, पूरे मतलब एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा जी का, वो भी है पुष्कर में।
तो ऐसा लोग कहते हैं कि लोग वहाँ पर अपनी मान्यता मतलब मन्नत वगैरह मांगने आते हैं तो पूरी हो जाती है, तो पूरी हो जाती है। तो तू मांगेगा मन्नत कुछ अपनी? भाई बिल्कुल मांगूंगा, है ना। तो हम लोग भी कुछ मन्नत मांगेंगे कि हमारे YouTube के सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ते रहे, हमारी फैमिली बढ़ती रहे YouTube की, और हम लोग आप लोगों को ऐसे ही हम लोग जो है अच्छी अच्छी वीडियोज दिखाते रहें। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से हम लोग ब्रह्मा मंदिर की तरफ। जब तुमने उसको चूड़ा नहीं दिलाया क्या कर रही थी? रात में रो रही थी, मम्मी से बात कर रही थी। कैसे कह रही थी? भाई रात को जाओ कुर्सी पे बैठ के जाग गई, और भाई रात को 1 बज रहे हैं, हमने जाके सो दा। इसको डरा दिया रात को, बताओ 1 बजे। वही व्लॉग व्लॉग में डाल इसको, आज दिलवा देंगे हम चूड़ा, कोई नहीं। और दूसरे लिए भाई चूड़ा। इतना बढ़िया सनसेट हो रहा है वहाँ सामने, और हमने क्या मंगाया है, ये वाइट सॉस पास्ता, चिली पोटैटो, लेमनेड और कोल्ड कॉफ़ी। तो अब हम जाएंगे फटाफट लंच करके ब्रह्मा मंदिर। तो चलिए चलते हैं ब्रह्मा मंदिर फटाफट खा के। गाइस अभी शाम की आरती लेके तो मन इतना मतलब शांत हो गया है, अगर डेली ऐसा आधा एक घंटा मिल जाए तो सारे स्ट्रेस हमारे गायब हो जाए। अब हम जा रहे हैं मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, और ये लोकल मार्केट है यहाँ की ब्रह्मा मंदिर के पास। आप यहाँ पर भी कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग, बहुत अच्छे अच्छे सामान आइटम्स वगैरह हैं। अब चलते हैं मंदिर। ये देखिए, ये है लोकल मार्केट। सो गाइस, ये है ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर, जो कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक मंदिर है। तो चलिए दर्शन करके आते हैं हम मंदिर के। तो दोस्तों, समय हो चुका है कुछ खाने का, तो हम लोग ने ब्रह्मा मंदिर के पास में एक रेस्टोरेंट ढूंढा है जो कि बहुत ही बिल्कुल घर जैसा खाना बनाता है और चूल्हे की रोटी आपको खिलाता है। तो यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था भाई। बहुत बड़े दर्शन हो गए हमें तो, क्यों भाई? ब्रह्मा जी अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अब हम यहाँ मार्केट में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, उसके बाद कल वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे। सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। क्या नाम है? केजे ब्लॉग, केजे ब्लॉग। चल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।